जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है। जिस प्रकार हमें सफर पर देखकर चलने के लिए आँखों की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में जो जीवन का सफर है उसको तय करने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए, हमें उस पर चलने के लिए ज्योतिष रूपी आँखों की जरूरत होती है। आज आप कह रहे होंगे कि मैं क्या ये बातें करने जा रहा हूँ आपसे, बट जो फैक्ट है वो यही है। और ये आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप भी इस चीज को मानने लगेंगे। वैसे तो हमारे भारत में बहुत से लोग इस साइंस को मानते हैं, और जो लोग नहीं मानते हैं, कि आज इस वीडियो के बाद कुछ ऐसे प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करने जाऊंगा जिसके बाद आप खुद इस चीज को मानेंगे। लेकिन समस्या ये आती है कि ऐसे बहुत सी साइंसेज हैं, एस्ट्रोलॉजी का नाम सुना होगा आपने, मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो उसमें अपने आप में ही कई न्यूमरोलॉजी के टाइप्स हैं। चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, कबाला न्यूमरोलॉजी है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, इंडियन न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी कई है। तो प्रॉब्लम ये आती है लोगों के सामने कि आखिर माने तो किस पद्धति को माने, किस मेथड को या किस साइंस को माने। देखिए, ये सभी अपनी जगह पे सही हैं, और ज्योग्राफिकल कंडीशंस और ऐसी बहुत सी कंडीशंस हैं जिस पर ये आधारित है कि हमें किस मेथड को फॉलो करना चाहिए। चलिए, ये मैं आपको आने वाले अपने जो वीडियोस में हैं इसमें मैं आपको शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं, हमें क्यों इन चीज़ों को मानना चाहिए, या वो कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको फॉलो करके, इन मेथड्स को अपना के अपने जीवन को, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, और आज भी वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी पूरी फैमिली, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो इस चीज़ को फॉलो करती रहें, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल साइंस है। ये सिर्फ आपको आपका करियर चुनने में ही मदद नहीं करती है, बल्कि ये आपको आपकी लाइफ में क्या कलर्स आपके लिए लकी हैं, क्या नंबर्स आपके लिए लकी होंगे, क्या करियर पाथ चुनना है वो आपके लिए सब सुटेबल चीज़ें बताएंगी, क्या बिजनेस हमें करना है, स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रीम उनको चूज करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको हम क्लियरली बता पाते हैं इस मेथड के जरिए, इस साइंस के जरिए। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन ये किसी जादू से कम भी नहीं है इसको तरीके से फॉलो किया जाए तो। जिस प्रकार हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को दूसरों को समझाने के लिए, बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं भाषा का, वैसे ही ब्रह्मांड की एक भाषा है नंबर्स। ये जो नंबर्स आप देखते हैं 1 to 9 and 0, ये भगवान की हैंडराइटिंग कह लीजिए इसको, या यूनिवर्स की उन शक्तियों की भाषा कह लीजिए उनको, जो इन भाषा के जरिए हमें कुछ कहना चाहती हैं, हमें कुछ समझाना चाहती हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके ना देखें। कोई चीज़ अगर मिस हो जाती है, क्योंकि ये अपनी लाइफ का सवाल है, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ भी अगर मिस हो जाती है तो वो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक आपको इंटरेस्ट आए और जब तक आपको समझ में ना आए, आप इस वीडियो को रिप्ले कर करके देखिए। तो जल्दबाजी नहीं, और धैर्य से इस वीडियो को सुनिए, समझिए। जो मैं फैक्ट्स आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जिसके बाद आप बिलीव करेंगे सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारी जो गृहिणियाँ होती हैं घर में, माताएं बहनें, वो सीरियल्स बहुत पसंद करती हैं। तो मैं अगर सीरियल्स की बात करूं तो जो प्रचलन में काफ़ी सीरियल्स थे, जैसे एकता कपूर का सीरियल था कुसुम, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, आप देखेंगे कुसुम की स्पेलिंग आखिर क्या हो सकती है, KUSUM। लेकिन आप ये जान के हैरान होंगे कि एक्चुअल में न्यूमरोलॉजिस्ट के सजेशन के बाद इसके स्पेलिंग में डबल के किया गया है, एक के को और ऐड किया गया है, डबल के यू एस यू एम। जो के यू एस यू एम कुसुम था, उसका टोटलिंग था न्यूमरोलॉजिकली, जो कि बहुत ही वर्स्ट था, क्योंकि इस सीरियल को हिट करना था, उन्होंने इसके टोटलिंग को एक के ऐड करके और इसके टोटल को 5 पे लेके आया। सेम इसी तरीके से दोस्तों कहानी घर घर की है, कहानी घर घर की में KAHANI कहानी, GHAR घर, GHAR घर की, KI की, ये स्पेलिंग एक्चुअल में इसकी बनाई गई थी। लेकिन कंसल्ट के बाद जो कहानी घर घर की में जो की है उसमें KII किया गया, और इसके भी टोटल को 5 पे लेके आया गया, और रिजल्ट आपके सामने है।
बहुत ही सुपरहिट सीरियल रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी इसके टोटल को भी 5 पे लेके आया गया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि नंबर्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ये कई ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको ये पता था, जिसकी वजह से उन्होंने इसको फॉलो किया और अपने हर एक सीरियल फिल्म्स का नाम जो है वो एक ऐसे नंबर पे लेके आए जो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होके उनके लिए सुपरहिट का काम करते हैं। मैं बात करूँ बिग बॉस की, नॉर्मली सब समझते हैं कि बिग की स्पेलिंग होती है BIG बिग एंड BOSS बॉस, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बिग बॉस का टोटल 3 पे था, जो कि इस टाइप के सीरियल्स या इस टाइप के जो रियलिटी शोज के लिए सूटेबल नहीं था, इसीलिए इसके बिग में BIGG बिग किया गया है और BOSS इसका टोटल आता है 6 पे। आज भी लोग बिग बॉस को इतना पॉपुलरिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की, क्रिश मूवी है, स्पेलिंग आती है KRISH, क्रिश, जो नॉर्मली लोग समझते हैं या बोलते हैं, लेकिन क्रिश का टोटल था 4, इसको भी चेंज किया गया, KRRISH किया गया और क्रिश का टोटल आता है 6। अगेन फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं बात करूंगा कि 1, 3, 5, 6 ये नंबर्स क्यों इतने अच्छे हैं और किसके लिए सपोर्टिव हैं, किसके लिए सुपरहिट का काम करेंगे, ये सारी हम अपने आने वाले वीडियोस में बताएंगे आपको। आज मेरा काम सिर्फ ये है कि आपका बिलीफ सिस्टम इस मेथड को एक्सेप्ट करे। तो 90s का इरा था और कई ऐसी फिल्में थीं 80s 90s में जो सुपर डुपर हिट हुई हैं, और आप हैरान होंगे कि उस जमाने से भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स इन सब चीज़ों को फॉलो करते थे। मैं प्रूफ आपके सामने भी देने जा रहा हूँ। कहो ना प्यार है मूवी, जी हाँ दोस्तों, याद ताज़ा होगी होगी, KAHO कहो, NANA PYAR प्यार, HAI है कहो ना प्यार है, ये एक्चुअल स्पेलिंग थी, लेकिन ये टोटल 4 पे आता था और इसमें सिर्फ ना में एक एक्स्ट्रा ए जोड़ा गया है, ना की स्पेलिंग को चेंज किया गया और टोटल इसका फिर 6 पे लेके आ गए। 6 पे आने के बाद रिजल्ट आपके सामने है, कहो ना प्यार है सुपर डुपर हिट फिल्म, फर्स्ट फिल्म थी रीति रोशन जी की, एंड रिजल्ट आपके सामने है, इतिहास है। एक मूवी आई थी एक दूजे के लिए, जो एक दूजे में जो DUJE दूजे है उसमें WU लगा हुआ है, ये चीज जान के हैरान हुआ, गूगल करके देख सकते हैं आप, और इसके टोटल को भी 1 पे लाया गया। कभी कभी एक मूवी थी, कभी कभी, कभी कभी मूवी में आप देखेंगे जो कभी है, फर्स्ट कभी KABHI कभी है, लेकिन जो सेकंड कभी है उस कभी के अंदर KABHI के बाद ई एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, और इस ऐड करने की वजह से इसकी स्पेलिंग जो है वो 9 पे आ गई है। सो 9 एक अगेन एनर्जेटिक नंबर है, मंगल का नंबर है, वो थोड़ा डीप में बाद में बात करूंगा आपसे। एक मूवी आई थी शौकीन, आप इस मूवी की स्पेलिंग गूगल करके देखिएगा, खुद हैरान हो जाएंगे, आपने कोई भी लेटर एक बार रिपीट होते हुए देखा होगा, दो बार देखा होगा, लेकिन इस स्पेलिंग में SHAUKEEN है, शौकीन, शौकीन के लिए SHAUKEIN भी कर सकते थे या KEE भी कर सकते थे, लेकिन EEE किया गया है। न्यूमरोलॉजिकली इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं फिर बार बार यही चीज कहता हूँ कि आप ये जो नंबर्स का जो गेम है अपने लाइफ में समझने की कोशिश कीजिए, ये जो पैटर्न है, ये हमसे कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं वो जानने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। कितने भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाए आप बिंदास रहेंगे, आप खुद देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स बहुत चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। जब आप नंबर्स के साथ खेलना सीख जाएंगे आपको लगेगा कि बहुत ईजी है। यश चोपड़ा जी आपको पता है दोस्तों 27 सितंबर के बॉर्न है, अगेन 27, 2+7, 9, वो अपनी हर मूवी ही यूज टू रिलीज हिज मूवीज ऑन 3rd, 6th, or 9th ऑफ एनी मंथ, 3, 6 and 9 दे आर फैमिली नंबर्स। उनकी एक मूवी थी डर, जिसकी स्पेलिंग है DAR डर, लेकिन DARR किया गया, DAR का जो टोटलिंग था वो 7 पे था, 7 फ्रूटफुल नहीं था, प्रॉफिटेबल नहीं था, सुटेबल नहीं था, सपोर्टिव नहीं था, इसीलिए इसके टोटल को DARR डर आता है 9 पे, और 9 इनके लिए लकी है, वो इसको टोटल करके 9 पे लेके आए, एंड रेस्ट हिस्ट्री इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो अब देखिए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आज तक की अब तक की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे यही मूवी है, आज भी थिएटरों में लग रही है मूवी, इसका टोटल आता है 6, अगेन सुपर डुपर हिट फिल्म, नॉट ओनली हिट, सुपर डुपर हिट फिल्म, दिल तो पागल है, अगेन इसका टोटल भी 6 पे आता है। तो देखिए कैसे ये नंबर्स का गेम चल रहा है आपके सामने, आप रियलाइज करने की कोशिश कीजिए। हम सिर्फ सुपर हिट फिल्मों की बात करते रहेंगे, मैं चाहता हूँ कि कुछ
तो फ्लॉप फिल्म्स, देखिए ऐसा नहीं है कि जो फ्लॉप फिल्म्स हैं उसमें मेहनत कम होती है या उसमें जो एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं वो कम काम करते हैं, कम मेहनत करते हैं, एफर्ट्स उतने ही लगाते हैं, बट क्या करें इसके पीछे कुछ और ही चल रहा होता है जो इन नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। फ्लॉप मूवीज की बात करें तो गुजारिश, जिसका टोटल आता है 2 पे एंड 248 अगेन वर्स्ट नंबर्स है। जोकर, जिसका टोटल आता है 8 पे एंड आप जानते हो अक्षय कुमार कितने मेहनती हैं, 365 दिन काम करते हैं वो, और ये पिक्चर फ्लॉप हुई। जंजीर मूवी, इसका टोटल भी 8 पे आता है। फितूर मूवी, जो कैटरीना कैफ की मूवी है, इसका टोटल 2 पे आता है। जग्गा जासूस, इसका टोटल आता है 4 पे। रब्ता मूवी देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जी का था और इसका टोटलिंग आता है 2 पे। सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम के साथ एक चीज़ याद आई, हम बात करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में कि जिस साल उनकी मौत हुई, मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आज भी बहुत ही अच्छे कलाकार थे वो, जिस साल उनकी मौत हुई वो साल का नंबर उनके लिए क्या आंकड़े लेके आया था, क्या डेट ऑफ बर्थ के साथ उनका वो सिंक्रोनाइजेशन था या नहीं था, ये सारी बातें उसमें हम आपको बताएंगे डिटेल में। अभी फिलहाल हम बातें कर रहे हैं कि इस साइंस को आप अडॉप्ट कीजिए और जितनी जद्दोजहद लगी हुई है लाइफ में आपकी उसको आप नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं और क्रिकेट उसकी बात ना करें तो ये जाती होगी इस विद्या के साथ। मैं चाहता हूँ कि कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊँ। महेंद्र सिंह धोनी, मैं पहला नाम लूंगा क्योंकि काफ़ी क्रेज है उनका मार्केट में, काफ़ी पॉपुलरिटी है उनकी क्रिकेटर्स के बीच में। 7 तारीख को जन्म हुआ उनका, जर्सी नंबर उनका 7 है। रांची में जिस मकान में रहते थे वो मकान नंबर उनका 7 था, 7 नंबर उनके लिए लकी है। जिस ईयर में वो डेब्यू करते हैं, जिस ईयर में उनको पॉपुलरिटी गिनती है, वो सब कहीं ना कहीं फैक्टर्स आगे कुछ नंबर उनके लकी हैं, सारी चीज़ें उस नंबर पे लाते हैं। इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए क्या गेम चल रहा है इसके पीछे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ऐसे ऐसे राज खोलने वाला हूँ कि आप ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस सिस्टम को अडॉप्ट करने से, आप विश्वास करने से रुक नहीं पाएंगे। जब क्रिकेटर्स की बात हो रही है और अपने इंडिया के द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं जिनको राहुल द्रविड़, जी हाँ राहुल द्रविड़ जी को बहुत ही स्लो क्रिकेटर बोला जाता था और नंबर 1 टेस्ट क्रिकेटर भी थे वो, लेकिन जब से उन्होंने जर्सी नंबर 19 लेनी स्टार्ट की उसके बाद लगातार वनडे क्रिकेट में एक के बाद एक मैन ऑफ द मैचेस, 50s, सेंचुरीज बनाने स्टार्ट कर दिए उन्होंने। और इतना ही नहीं, जो आईपीएल जैसी जो फास्ट क्रिकेट है उसमें आए एंड राजस्थान रॉयल्स के लिए 19 नंबर की जर्सी पहनकर खेलना शुरू किया और वनडे क्रिकेट के भी नंबर 1 प्लेयर बन गए। तो देखिए एक स्लो क्रिकेटर को फास्ट क्रिकेट की दुनिया में भी नंबर 1 बना देने वाला ये न्यूमरोलॉजी, ये साइंस ऐसा है, ना चाहते हुए भी इसको विश्वास करेंगे। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आज भी मैं लोगों की डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ या जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है उनको भी हम एक एडवाइस देते हैं कि लाइफ में कभी भी ब्लैक कलर ना पहने, अवॉइड करें। मुझे याद है वर्ल्ड कप फाइनल में, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड वर्सेज इंग्लैंड चल रहा था एंड न्यूजीलैंड की जो जर्सी थी वो ब्लैक कलर, न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट जीत की कगार पे थी। लोग कहने लगे कि अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाएगी तो हम न्यूमरोलॉजिस्ट के जो कलर कॉम्बिनेशन जो ये बताते हैं हम इनको फॉलो नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड जीतने वाली भी थी, ऑलमोस्ट जीत चुकी थी, लेकिन अचानक ही ऐसा पासा पलटा और इंग्लैंड वो मैच जीत गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम आप गलत हो सकते हैं, ठीक है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, हो सकता है मेरी विद्या में कहीं कोई चूक हो गई हो और मैं गलत प्रिडिक्ट कर दूँ, लेकिन एक्चुअल में जो साइंस है वो गलत नहीं है, जो नंबर्स हैं वो हैं, ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, ये ब्रह्मांड की लैंग्वेज है, हमें इन लैंग्वेजेस को पढ़ने में समझने में गलती हो सकती है, बट वो जो कह रही हैं अगर हम नहीं समझे तो प्रॉब्लम हमारी है। जहाँ तक हमने समझा था, हमने कहा था कि न्यूजीलैंड के लिए बहुत प्रॉब्लम है, ना के बराबर चांसेस हैं, रेस्ट जो 99% हम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं 1% हम अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जीती इंग्लैंड। कोलकाता नाइट राइडर्स पहले ब्लैक जर्सी पहनती थी एंड आप जानते हैं, आप गूगल करके देख लीजिए, शुरुआती दौर के जितने भी मैचेस थे उसमें वो बॉटम पे रहते थे, जो लिस्ट निकलती थी रैंक लिस्ट टीम्स की उसमें बॉटम पे रहते थे, ऑलमोस्ट बॉटम से गिनती होती थी उनकी। बाद में उनकी जर्सी को पर्पल कलर दिया गया एंड उनका जो हेलमेट पे जो लोगो लगा था उस लोगो को चेंज किया गया, स्लाइटली चेंज किया गया एंड देन दे मैनेज टू पिक 2 IPLs और उसके बाद फिर वो कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज भी कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो टॉप टीम्स में आती है। बात करें मुंबई इंडियंस की, मुंबई इंडियंस फर्स्ट IPL नो ट्रॉफी, बाद में उनके जर्सी पे
गोल्डन स्टेप लगाएंगे, है ना। गोल्डन जो अंबानी की टीम है, अंबानी जी भी है, वो गोल्ड डायमंड ये उनके काफ़ी जो ज्वेलरीज हैं वो काफ़ी उनके लिए सपोर्टिव रही हैं। वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट उनकी फैमिलीज में 111 है, अंबानी फैमिली में 111 है, जिसका हम क्या है रोल वो आपको बाद में बताएंगे। बट ये जो गोल्डन कलर का जो एक जो स्टेप डाला गया है इसमें, वो इनके लिए सोने में सुहागा काम कर गई है। एंड उसके बाद इतिहास है आपके सामने। एक बहुत ही पॉपुलर शो हुआ है, सबको पता है, जुबान जुबान पे उसका नाम है, द कपिल शर्मा शो। जी हाँ, कपिल शर्मा, इनका जो मूलांक है वो 2 है डेट ऑफ बर्थ का। एंड एकता कपूर, उनका भी 7 है उनका मूलांक, 2 और 7। हम आगे चल के बात करेंगे, फिलहाल मैं आपको ये कह दूं कि जो 2 और 7 जिनका भी मूलांक हो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, वो अपनी माँ से सपोर्ट लें और हो सके तो अपने बिजनेस में उनसे कुछ ना कुछ पैसा लेके अपने बिजनेस में लगाएं, बहुत फलदायी है। आपने देखा होगा कपिल शर्मा अपने शो के अंदर अपनी माँ को लेके जाते हैं और उनका जो कैमरामैन है वो एटलीस्ट हर शो में एक न एक बार कैमरे का फोकस जो है उनकी माँ पे करता है, ठीक है। कपिल शर्मा जी इस चीज को फॉलो करते हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं कि ये चीजें कैसे उनके लिए काम करेंगी। एकता कपूर जी, जब भी उनका सीरियल्स का टेलीकास्ट होता है उसमें आप उनकी मदर का नाम देखेंगे, वो अपनी मदर का नाम पक्का मेंशन करती हैं टेलीकास्ट में। हमारा डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी अगर ड्राइवर या कंडक्टर मूलांक या भाग्यांक 2 आ गया या 7 आ गया, तो हमें अपनी माँ से पैसे लेना, बिजनेस में लगाना, इन्वेस्ट करना फ्रूटफुल रहता है। दोस्तों, अब जो मेन एक जो इसमें चीज आती है वो ये आती है कि डेट ऑफ बर्थ में हम कोई चेंजेस तो नहीं कर सकते, करेक्ट। अब हम करें तो क्या करें, हमारे पास और भी कई चीजें हैं जहां हम इन नंबर्स के साथ अच्छा गेम खेल सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर हम अपने पसंद का ले सकते हैं, हाउस नंबर अपने चॉइस का ले सकते हैं, प्लॉट नंबर अपने चॉइस का ले सकते हैं, अकाउंट नंबर भी आजकल अपने चॉइस का मिल जाता है, जर्सी नंबर्स प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ तो अपने चॉइस का ले सकते हैं, और कलर्स की बात करें हम कलर्स के फॉर्म में, क्योंकि हर एक नंबर को एक कलर दिया गया है, हर एक कलर को एक नंबर भी दिया गया है, तो हर एक नंबर एक कलर से असाइंड है, कलर हर एक अपना एक नंबर से असाइंड है, तो हम कलर्स के फॉर्म में भी उन नंबर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और नंबर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन्स कलर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कई चीजें हैं उसमें, कई फैक्टर्स काम करते हैं। और लकी कलर्स को जान सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से, और इसके बाद अपने नेम स्पेलिंग, जो कि 80% रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर, तो नेम करेक्शन बहुत जरूरी है। तो एक जन्म लेते ही बच्चे के साथ आप ये सारी चीजें अपनी कैलकुलेशन जो है वो बिठा लीजिए। आप 10-15 ऑप्शन दे दीजिए, डॉक्टर है, एडवोकेट है ना, वकील बनो, इंजीनियर बनो, या फैशन डिजाइनिंग में जाओ, ब्यूटिशियन बन जाओ, ये सारे ऑप्शन दे दो और उसको देखो कि हाँ इसमें से किस में उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, उस चीज पे उसको आगे फोर्स कीजिए। अपनी चीजों को थोपने की जरूरत नहीं है इसमें, तो ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी एक नंबर वाले को कोई अगर बिजनेस सजेस्ट कर रहे हैं तो दूसरा एक नंबर वाला भी वही बिजनेस करे। 8-10 ऑप्शन देते हैं जिसमें कि अगर एक बंदे का इंटरेस्ट इसमें जग गया है तो उस 10 में से दूसरे वाले को कोई और ऑप्शन पसंद आ सकता है। तो ये पेरेंट्स को, गार्जियन को अपना देखना है कि बच्चा हमारा किस फील्ड में इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये जो 10 फील्ड उसके लिए लकी है उसमें से ये फील्ड है या नहीं। अगर नहीं तो ये 10 ऑप्शन उसके सामने रख दीजिए और उनको बोलिए कि बेटा इसमें भी बट ट्राई कर, इसमें अगर तेरा कुछ ऑप्शन तुझे इंटरेस्ट आता है तो हमें बता, क्योंकि ये तेरे लिए फ्रूटफुल है, वो भी ट्राई करेगा और उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। जब इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हर फील्ड में कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो आप इस तरीके से बच्चों को मोल्ड कर सकते हैं। और रेस्ट देखिए, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी काफी टाइम लगता है सीखने में, इट टेक्स अराउंड 3-4 years, और 3-4 साल मैं उसमें जाया करूं, इससे बेटर है कि मेरे पास एक ऑप्शन है, एक्सपेंसिव था न्यूमरोलॉजी, मैंने किया और न्यूमरोलॉजी के बल पे हम आज विदाउट पेन एंड पेपर भी 50% मोर देन 50% किसी के बारे में प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो ये बेटर ऑप्शन मुझे लगा। और ये साइंस है, ये हर कोई इजिली समझ सकता है, इस सिस्टम पे बिलीव कर सकता है, और मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा वो कैलकुलेशन है, वो तो आप उसको इजिली समझ लेंगे। अब एस्ट्रोलॉजी में होता ये कि उसमें कई दशाएं हैं, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, दशाओं में दशा, फिर डिग्रीज हैं, कई चीजें हैं, तो वो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लोगों को समझाना और समझना। हाँ, उसमें एडवाइसेज आप ले सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में ये होता ही है कि अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर रहा है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक भी वो समझा सकता है और वो लॉजिक आपको इजिली समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं आपको बताऊं कि शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, अभी वो इतने डिग्री पे इस घर में है, आपको तो यही नहीं पता कि वो घर का मतलब क्या है, वो घर किसका है, किस ग्रह का घर है, उस ग्रह उस घर
में शनि का प्रवेश हो रहा है, वो दुश्मन ग्रह का घर है, दुश्मन के घर में शनि प्रवेश कर रहे हैं, अब आपको इसमें कंफ्यूजन होगी कि अब मैं दुश्मन का घर कौन कौन सा है इसका, मित्र के ग्रह कौन कौन से हैं, तो वो थोड़ी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं समझने में न्यू कमर्स के लिए। इसीलिए न्यूमरोलॉजी में होता है ये, न्यूमरोलॉजी में हम सिंपल सी चीजें बोलते हैं, भाई देखो जो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के लिए 9 नंबर्स भी है मैथ्स में, 2 जो ग्रह हैं अपने नेपच्यून एंड प्लूटो वो छाया ग्रह हैं, मेन 7 प्लैनेट्स हैं और 7 प्लैनेट्स के लिए 7 डेज हैं, ठीक है, 7 डेज के लिए 7 कलर्स हैं, जो ये 9 नंबर्स हैं 7 मेन नंबर्स हैं, 2 राहु केतु 4 एंड 7 ये अलग है, सिंपली है, हमने प्लस माइनस की कैलकुलेशन करनी है और पर्टिकुलर ईयर अपना निकालना है, सर ये आपके लिए या मैडम आपके लिए ये ईयर फ्रूटफुल है या नेगेटिव है, पॉजिटिव रिजल्ट लेगा, तो उसके हिसाब से हम रेमेडीज करवाते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आई मुझे, लोग अक्सर कहते हैं कि वही है वही जे राम रचि राखा, तो फिर हम ये ज्योतिष यहाँ क्या कर रहे हैं, भाई जो राम ने जो रचा है वही होना है, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं, राम ने रचा क्या है वो आपको समझना है, अब कर्म प्रधान है ना, कर्म प्रधान है, कर्म तो आपको करना है, आपको एक डेट ऑफ बर्थ दे के राम ने भेज दिया, भाई ये डेट ऑफ बर्थ है, ये एक कोड है, इस कोड को आप डिकोड करो और इसको डिकोड करने के लिए हमने अपनी भाषा में जो 1 to 9 नंबर्स हैं और 0 उसके फॉर्म में एक लैंग्वेज के तरह हमने आपको भेज दिया है और इसको बताने वाले कुछ लोग भी आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगे मेरे जैसे, तो हम उसको डिकोड करके आपको ये बता रहे हैं कि आपको ये कर्म करना है, आपको ये कर्म करना है, आप उसको छोड़ के वही है वही जे राम रचि राखा रट लिए हैं और उस पर चलते जा रहे हैं, होने को कोई नहीं टाल सकता है, कुछ लोग ये कहते हैं, तो मैं ये कह दूं उनको, होने को हम टालते नहीं हैं, हम सिर्फ उसके असर को कम या ज्यादा करते हैं। अब समझने के लिए मान लीजिए आपका लॉस है, आपने कर्म ऐसे किए हैं, कर्म कांड ऐसे किए हैं कि भाई आपका लॉस नहीं था, अब हम क्या करते हैं, कुछ उपाय ऐसे देंगे, हम लॉस को नहीं टाल सकते हैं, बस उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ उपाय आपको ऐसे बताएंगे कि 10 लाख का लॉस आपका 1 लाख पे आ जाए या 10,000 पे आ जाए, मिनिमाइज किया जाएगा उसको, प्रॉफिट का साल है तो भाई गोल्डन पीरियड है, पढ़ लो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, तो आपको कुछ रेमेडीज देंगे, आपको 1 लाख मिलना था, आप 2 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख तक मिल जाएगा, तो वो उसके असर को हम बढ़ा या घटा सकते हैं कर्मों से, लॉस प्रॉफिट होनी है, कितना होना है वो कर्म पे डिपेंड करता है, बात को समझने की कोशिश कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और मेरे अब कंटिन्यूसली वीडियोस आते रहेंगे इस न्यूमरोलॉजी के ऊपर, मैं जिस न्यूमरोलॉजी को फॉलो करता हूँ और मैंने उसे कई अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, तो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये होने वाले हैं, अगर गाड़ी आगे निकल जाएगी तो आप पीछे रह जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपको टाइम ना दे पाएं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज में हैं हम लोग, तो इस स्टेज में अगर कोई मुझसे कंसल्ट भी करना चाहते हैं तो मैं भी आज के डेट में टाइम दे पा रहा हूँ और दे भी दूंगा, आगे जाके शायद मैं टाइम इतना नहीं दे पाऊँ फ्रीक्वेंटली आप लोगों को, तो इसलिए मिस मत कीजिए और वीडियोज़ को प्रॉपर देखना स्टार्ट कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।